नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आइए इस बुलेटिन के माध्यम से नजर डालते हैं दिन भर में क्या कुछ घटा जिले भर में और क्षेत्र भर में। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं विनोद मिश्रा। आइए नड़ा लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है नवा थाना क्षेत्र के मड़का गांव से। यहां पर रहने वाला लक्ष्मण कुशवाहा अपनी खेती की जमीन से खेती कर रहा था। उसी दौरान इसके सगे भाई पुन्ना और के लड़कों ने इसके साथ जमीन विवाद को लेकर इसके साथ मारपीट कर दी। मामले की रिपोर्ट थाने में भी दर्ज की गई है और इस जमीन पर कब्जे को लेकर यहां पर स्टे भी लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ना तो स्टे यहां से हटा हुआ है और ये लक्ष्मण कुशवाहा अपने परिवार के साथ दर दर भटक रहा है, क्योंकि ये अशिक्षित है और इसे मालूम नहीं है कि अब हमें किस तरह की क्या कार्यवाही करना है। इसको लेकर ये दर दर भटक रहा है और सगे भाई और उनके दो पुत्रों से जान का खतरा है। इस तरह की गुहार को लेते हुए वह थाने में भी चक्कर काट रहा है और अनुभागीय अधिकारी नवो में भी जाकर दर दर भटक रहा है। जमीन का किसने की मारपीट? पुन्ना ने, पुन्ना के लड़का ने, किशन ने। किसे लेके आ रहे स्टे वगैरह, किसे लेके आए थे आप? स्टे गाइज नवा से ले आए थे। स्टे कोई मानता नहीं करी, थाने न गए थे, थाने वाले नहीं सुनाई करी। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते कि कछु सुनाई हो जाए, कब्जा मिल जाए हमें। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नड़ा लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है बिजावर क्षेत्र के जटाशंकर धाम की। यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित भटनागर अपनी टीम दल के साथ यहां पर पहुंचे और इन्होंने पूजा अर्चना करते हुए जल्द ही भगवान से प्रार्थना की है कि जल्दी बारिश की जाए। तो वहीं यह यात्रा वहां से छतरपुर की ओर आई और आसपास के ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी जल संकट की समस्या को सुनते हुए और तमाम प्रकार की जन समस्या को सुनते हुए यह अपनी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नड़ा लेते हैं आज की इस खास खबर पर। आम जनता की पानी की व्यवस्था को और भीषण गर्मी के जल संकट की समस्या से जूझ रहे जनता के लिए अब कुछ समाज सेवी भी आगे आए हुए हैं और इनके द्वारा महलों के पास एक वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। अब लोगों को इस वाटर कूलर के जरिए 24 घंटे ठंडा पानी भी मिल सकेगा, जिससे वह अपनी प्यास बुझा सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे लगातार उपलब्ध करवाने के लिए धार्मिक उद्देश्य से विनोद कुमार पुष्पद सहायक अभियंता दूरदर्शन द्वारा 31,000 रुपए इस कार्य के लिए दान के रूप में दिए गए हैं, जिससे अब आम जनता अपनी प्यास बुझाएगी। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नड़ा लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है महाराजपुर थाना के ग्राम खिरी से। यहां पर रहने वाली ब्रजेश राजा के साथ गांव के ही रहने वाले मंगल कुशवाहा व उनकी पत्नी राजकुमारी कुशवाहा ने मारपीट कर दी, जिस संबंध की शिकायत ब्रजेश राजा महाराजपुर थाना में शिकायत दर्ज कराने के लिए गई, लेकिन वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तो वह पुलिस अधीक्षक के पास शिकायती आवेदन लेकर आई है और तत्काल ही इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग करते हुए इन्होंने आवेदन दिया है। हमें ये समस्या है कि हमारे गांव में वाद विवाद चलता रहा है, लेकिन हम कल पानी भरने गए, जिससे हमारे गांव के कुशवाहा ने और उनकी पत्नी ने और दो चार लोगों ने मिलकर हमें मारा पीटा और घर और गाली गलौज भी की। और जब हम इसकी कंप्लेन भी लिखवाने गए तो सर ने कोई कंप्लेन भी नहीं लिखी और दो घंटे से बैठा रहे और दो घंटे के बाद भगा दिया। उन्होंने कंप्लेन भी नहीं लिखी। हमने आज SP सर के यहाँ दिया है, वो कह रहे हैं हम आगे की कार्रवाई करेंगे, आप रुक जाइए। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो, हमें मारा है और हमारे हाथ में बहुत खरोचे भी आई थी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। आइए चलते हैं इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। छतरपुर के गांधी आश्रम में इन दिनों बच्चों की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे शामिल हो रहे हैं। यह जो आयोजन किया जा रहा है, यह इप्टा और गांधी आश्रम के तत्वाधान में किया जा रहा है, जहां पर बच्चों को अनेक प्रतिभाएं सिखाई जा रही हैं। बच्चों को उनका हुनर दिखाने के लिए यह अनेक जो प्रतियोगिताएं हैं वहां पर बच्चों को करवाई जा रही हैं, जैसे गायन, वादन, पेंटिंग, किले मॉडलिंग, नाटक, रंगोली, कथक और लोक नृत्य जैसी प्रतिभाएं सिखाई जा रही हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बच्चे यहां पर अनेक प्रतिभाएं सीखते हैं और उनके चेहरे पर खुशी देखी जाती है। हम लोगों ने यहाँ पे कथक सीखा, डांस के कुछ स्टेप्स भी सीखे,
खेला रेलगाड़ी चलाई, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ट्रेन चलाई, ट्रेन की आवाज़ निकाली, सॉन्ग से सीखे और वो स्टेप से सीखे और डांस से सीखा, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं हम लोगों को, उनने बहुत सी चीज़ें सिखाया, हमने यहाँ पे खेला और नए नए दोस्त बनाए, मैंने तो बहुत से दोस्त बनाए और मैंने सबके साथ खेला। मुझे यहाँ, मेरा आज पहला दिन था और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत मस्ती की और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग ने बहुत सारे गेम्स खेले और डांस भी सीखा, जैसे कथक और फोक डांस सीखा हमने, कथक के दो स्टेप और फोक डांस के भी दो स्टेप सीखे, और हम लोग ने सारे बच्चों के साथ में मिलके लोका खेला, पत्थर परी और ट्रेन भी चलाई और हम लोग को बहुत मज़ा आया। बहुत नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे खबरें बिजावर से। बिजावर की तमाम ग्राम पंचायतों को शौच मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। यूं तो मध्य प्रदेश की तमाम ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम के चलते ग्राम पंचायतों को शौच मुक्त करवाने के टैग लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल हकीकत इससे जुदा है। अब सरकार आंगनवाड़ी में काम करने वाली वर्कर्स, आशा कार्यकर्ताओं और रसोइयों की मदद से ग्राम पंचायतों को शौच मुक्त कराने के लिए महिलाओं को इकट्ठा कर रही है। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों को शौच मुक्त अभियान के फायदे बताए गए, साथ ही बताया गया कि स्वच्छता अभियान के तहत कैसे सरकार हमें सेहतमंद रखने की कोशिश कर रही है। बिजावर में आयोजित इस कार्यक्रम में कई महिलाएं इकट्ठी हुई जिनको दिल्ली से आई फीडबैक टीम ने जानकारी दी। हालांकि बिजावर जनपद के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को लंच पैकेट बांटे जाने थे जो समय पर नहीं बांटे गए, जिसके चलते कुछ महिलाओं ने इसका विरोध भी किया। आज का प्रोग्राम कि गांव लेवल पर जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं उनका हम सेंसिटाइजेशन कर सकें, उनको हम बता सकें थोड़े से शौच मुक्त करने के लिए हमें किस प्रकार की रणनीति का काम करना पड़ेगा और किस तरीके से करना और क्यों जरूरी है। ये सेंसिटाइजेशन करने के लिए हमें ग्राम स्तर पर जितने भी सरकार की तरफ से काम करने वाले लोग हैं, आशा कार्यकर्ता है, रसोईया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायता है, सरपंच हैं, सचिव हैं, सभी को एक साथ मिला करके पूरी टीम बना करके काम करने की आवश्यकता। पूरे जिले को 2 अक्टूबर तक खुले में शौच से मुक्ति के कार्यक्रम में सफलता हासिल करने के लिए एक पूरा रोस्टर तय किया गया है अगले 10 दिनों का। जनपदवार उन्नीकरण है कि लाइन डिपार्टमेंट सारे ग्रासरूट लेवल वर्कर को इस खुले में शौच से मुक्ति अभियान में जोड़ के एक जिले में एक माहौल खड़ा किया जाए जिससे गांव में जो खुले में शौच से आज़ादी की बात है वास्तविक रूप से लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि अभी तक जो चल रहा है, जो प्रक्रिया कहीं न कहीं से देखने में महसूस हुई कि गांव के लोग शौचालय तो बना ले रहे हैं लेकिन उस शौचालय का प्रॉपर उपयोग नहीं कर रहे, उसमें और अन्य जो है अलग अलग चीज़ें कहीं कूड़े कंडे लकड़ियाँ भरी हुई मिल रही थी, उसके लिए एक माहौल तैयार करने के लिए सभी लोगों को बुलाया गया है कि यहाँ इनका ओरिएंटेशन किया गया और ओरिएंटेशन के माध्यम से ये चीज़ें गाँव में पहुँचाएँ, गाँव के लोग इसकी ऑनरशिप लें, उसके बाद जो खुले में शौच मुक्ति की वास्तविक परिस्थिति है वो गाँव में देखने। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे खबर बक्सवाहा से। जन अभियान परिषद के माध्यम से बक्सवाहा में जल संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों को बताया गया कि पानी को सिर्फ बचाया जा सकता है, इसे बनाया नहीं जा सकता, ऐसे में पानी को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। समाज को जागृति करना और समाज में जल संरक्षणता को रुचि रहना कि लोग दुरुपयोग पानी का ना करें, पानी के प्रति जागृत करें, छोटे छोटे मेड़ बनान बनाएं, खेत तालाब करें, इन सब चीज़ों में संरक्षण तक रुचि लाएं। ये बक्सवा जनपद पंचायत की पूरी 39 पंचायतों में इस जन अभियान परिषद के माध्यम से जागृति लाई जा रही और समाज की सहभागिता बने इस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग आज वीरमपुरा नदी में एकत्रित हुए और इसी उद्देश्य को लेकर आज इस कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। आज जो जन संसद लगाई गई है वो जल के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम उठाया गया है और लोगों को जागृत किया गया है कि जल का संरक्षण करें। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर में बजरंग दल और बजरंग सेना के बीच अस्तित्व की लड़ाई चल रही है और पिछले दिनों बजरंग सेना नामक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर पटेरिया पर हमले का मामला सामने आया था। इस हमले के पीछे बजरंग दल
के अभिषेक परिहार सहित बाकी 4-5 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी ओर रणवीर पटेरिया पर भी चक्का जाम करने जैसी धाराओं पर मामला दर्ज किया गया था। अब एक बार फिर बजरंग दल ने रणवीर पटेरिया के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल ने कहा है कि बजरंग सेना नाम का एक संगठन बनाकर रणवीर हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई अवैधानिक गतिविधियों में शामिल हैं। इस ज्ञापन के दौरान बजरंग दल के तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से बजरंग सेना द्वारा आरएसएस पर लगाए गए आरोपों का भी बचाव किया गया। ये बजरंग द्वारा आज ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को, जो बजरंग सेना का स्वयं को प्रमुख बताता है एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर आरएसएस जैसे महान संगठन जो 92 वर्ष से निरंतर चला आ रहा है, राष्ट्रहित के कार्य कर रहा है, उसको बदनाम एवं बजरंग दल को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों के झूठे नाम एवं झूठी FIR की जा रही है, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया जा रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक तरफ भारत देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी है, इस बात की सार्वजनिक घोषणा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले की बात करें, इस जिले में भी अभी ऐसे गांव हैं जहां पर आजादी के इतने साल बाद लाइट नहीं पहुंची है। जी हाँ, खरियानी विकास खंड के ढोड़न गांव की हम बात कर रहे हैं। यहां पर अभी भी लोग लैंप से काम चला रहे हैं और बुजुर्गों की आंखें लाइट देखने के लिए पथरा गई हैं। बुंदेलखंड में आज भी ऐसे पिछड़े गांव हैं जहां पर बिजली सड़क ना होने से लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही। लड़के वाले दोनों चूल्हे जलाकर भी शादी को तैयार हैं, पर लड़की वाले गांव में जाते हैं और बिजली सड़क की दशा देखकर दोबारा वापस नहीं आते। इस गांव की आबादी है लगभग 2500, आदिवासी बाहुल्य गांव के नदी के किनारे बसा है। राय की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है ये गांव, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व में आने के बाद राय की खेती भी बंद हो गई है। अब गांव के लोगों ने मकानों की मुआवजा राशि के इंतजार में कई साल गुजार दिए, मुआवजा तो नहीं मिला, विकास काम भी रुक गया है, लोगों को अब काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। 100 से भी ज्यादा लड़के शादी की उम्र पार कर चुके हैं, कई तो शादी के चक्कर में बूढ़े भी हो चुके हैं। सरकार के वादों की पोल खुलती इस गांव में नजर आ रही है। भैया आपको रजुआ, कौन से गांव के? नौरन को। पंचायत कौन सी है? खरियान। यहाँ कौन सी जाति के आदमी सबसे ज्यादा रहते हैं? अच्छा, उम्र कितनी होगी तुम्हारी? हमारे नाम 80-90 पे नहीं है। तुमने लाइट देखी अपने जीवन में कभी? नहीं। गांव में कभी बाहर गए था? बाहर तो देखी, अब इसे कार्य ना करनिया है और निया मट्टी को ते मिल गाओ तो तब भी से काम चला है। जाए आ रहे वो ये बाय बच्चन में ये याद के भैया लाइट ले आओ, गैस लालटेन लगाओ। कितने बच्चे ऐसे कुंवारे फिर रहे हैं? 100-150। बाहर के आदमी नहीं अब कहते देख रहे हैं क्या 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 लेकर बिचक जात? हाँ, ऐसे बिचक जात के भैया घाटी में क्या करे जब लाइट ही नहीं है। लाइट न होने और रोड न होने के कारण क्या समस्या है? साहब हमारे ब्याह छिके पूरे, लड़का सियाने हो गए साहब, रोड नहीं, लाइट नहीं है साहब, रोड नहीं है। सुबह आओ जिससे से दशा देखा पानी 2 किलोमीटर से लाइट, हम 4 कुआ खुदे हमारे साहब, पानी एक कन में नहीं है, नहीं देखी साहब हमने कबाउन देखी, कहूँ गए से आज पहुँच गए ताई जाले जब के है लाइट का जा लाइट। और यहाँ के आदमी बाहर मजदूरी करने क्यों जाते हैं? क्या यहाँ पे पंचायत में काम नहीं होते हैं? साहब कुछ काम नहीं होता पंचायत में, सब मशीनें कर रहे काम, गरीब आदमी कौन काम में लाता है इतने सुन रहे? पंचायत के कोई काम नहीं मिला साहब हमारे लोग जो इतने आओ सब इतना ही हाथ पाँव जोड़े और कहो भैया कहते तो हमारे लाइट पहुँचवा दो, कह रोड बनवा दो, हमारा सब काम छिके मट्टी को तेल महीना में 2 लीटर मिले से 2 लीटर में का करी साहब। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लवकुश नगर में लवकुशनगर में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। एक तरफ जहां लोगों को पेयजल की समस्या है और उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए इस परियोजना पर काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इस परियोजना से जुड़े हुए ठेकेदारों ने इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया है।
इसके अलावा शासन को देखिए कि किस तरीके से शासन प्रशासन ने काम अधूरा होने के बावजूद लगभग पूरा पेमेंट भी कंपनी को कर दिया है। जब ये मामला मीडिया के समक्ष आया तो अब अधिकारी इससे बचते फिर रहे हैं और दबी जबान से ये कहते फिर रहे हैं कि हाँ काम घटिया हुआ है और काम फिर से कराया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सही तरीके से काम हुआ होता तो इस गर्मियों में लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाता, लेकिन अब ये योजना एक साल के लिए लगभग टल जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए 13,79,00,000 रुपए स्वीकृत हुए थे। 15 किलोमीटर दूर संजय नगर के पास उर्मिल नदी में बैराज बनाकर यहां से पानी सप्लाई किया जाना था और बांको कंस्ट्रक्शन कंपनी टीकमगढ़ को 11,29,00,000 रुपए का काम दिया गया था। इसमें 3,00,000 लीटर और 4,00,000 लीटर की दो टंकियां, WTP, 15 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार, 12 किलोमीटर क्लियर वाटर इंटेक वेल आदि बनाना था, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं। कंपनी जो इंटेक वेल बनाया वो काफी घटिया था और इसके बावजूद बांको कंस्ट्रक्शन कंपनी को 5,72,00,000 रुपए दिए जा चुके हैं। लवकुशनगर नगर परिषद के CMO का कहना है कि पूर्व में कुछ खामियां थी, इसके लिए ठेकेदार को समझाइश दी गई है, अब काम ठीक चल रहा है और जैसे ही बैराज का पानी घटेगा वैसे ही आगे का काम कराया जाएगा। कंपनी का नाम है मोदी इन्फ्रेक्चरा टीकमगढ़ जतारा। तो ये जो गेट लगे हुए हैं ये सारे लीकेज हैं? जी हाँ, ये सारे लीकेज हैं, जब से इन्होंने काम किया है दोबारा लौट के देखने नहीं आए। तो पेमेंट हो गया इनका? जी हाँ, पेमेंट भी जहाँ तक हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो भी निकाल लेंगे। अच्छा, ये देखने नहीं आए कि लीकेज हो रहा है कि क्या हो रहा है? ना कोई आदमी रखा है ना देखने आते। कंपनी पूरा प्रोजेक्ट है सर 13,00,000 13,00,000 उसमें ये फाटक वगैरह सब है। हाँ सर। अच्छा, ये टंकी जो है जो दोबारा तोड़ क्यों बनाई जा रही है? सर ये कंपनी ये सर ब्रिक वर्क थोड़ा मिस्टेक हो गया था इस वजह से। ये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत जो काम हुआ है, एक्चुअली ये काम मोदी इन्फ्रास्ट्रक्चर जतारा ने काम किया है। इसमें जो बैराज में जो पानी सडनली आया है उसके पहले इसके 10-15 दिन पहले इसमें गेट लगाए गए हैं, तो उसमें जो नीचे रबड़ लगती है उस रबड़ को लगाने का अभी टाइम नहीं मिला है। अभी जिस पानी में जितना भरा हुआ है वो पानी खाली हो जाने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से स्लोज वाल्व और उसकी जो मेन गेट वाल्व है उसके नीचे सेट किया जाएगा, इसके बाद ही इसमें पानी नहीं निकलेगा। अभी जब अभी सेट नहीं करा पाए हो तो बरसात लगने वाली है, कैसे सेट होगा? नहीं तो ये पानी अभी रुका हुआ है जानवरों को पीने के लिए, वो अब निर्माण कार्य भी चल रहे हैं इसके लिए भी पानी को रोके हुए हैं। 1-1.5 महीने में पानी खाली हो जाएगा तो उसको प्रॉपर तरीके से इसको किया जाएगा। अभी ठेकेदार की राशि 26,00,000 रुपये रुकी हुई है, ठेकेदार काम करेगा उसमें। उस ठेकेदार ने कुछ घटिया काम किया भी था तो उस संबंध में उसको नोटिस दिया है और उसको बताया भी गया है, तो उसको डिसमेंटल करवाया है और डिसमेंटल करने के बाद उसमें काम में सुधार किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। कितने करोड़ की योजना है ये? अपनी योजना है 13,89,00,000 की योजना है जो कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत काम चल रहा है। इसका काम का समय तो 30 मार्च दिया गया था, लेकिन ठेकेदार को कुछ ऐसे इश्यू बने थे जैसे जमीन का थोड़ी मामला था या इंक्रोचमेंट हुआ है, इस कारण से थोड़ा हल्का सा विलम्ब हुआ है। संभवतः 2-3 महीने में अपनी योजना पूर्ण होगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अब एक और भर्ती घोटाले की आहट सुनाई देने लगी है। जी हाँ, दिसंबर 2017 में एक बार यहाँ पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया था और उसके बाद 6 महीने गुजर जाने के बाद भी इस भर्ती प्रक्रिया का कुछ भी अता पता नहीं है। तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा जो भर्तियां निकाली गई थी उसके पश्चात अब जो वर्तमान रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा इन भर्तियों में रोक लगा दी गई है। वर्तमान रजिस्ट्रार और कुलपति के आपस में बनती नहीं दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से नई भर्तियां निकाले जाने का उपक्रम चल रहा है। पिछली भर्तियों के दौरान हजारों युवकों ने हजारों अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म डाले थे, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ इसका कुछ भी अता पता नहीं है और अब एक बार नए सिरे से फिर से अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिन लोगों ने पिछली बार फॉर्म डाले हुए थे और फीस जमा की थी उनके पैसों का क्या होगा। पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। विश्वविद्यालय जब से बना हुआ है तब से लेकर मात्र परीक्षा का केंद्र ही बनकर रह गया है। इसके अलावा जो भी कार्यप्रणाली जो भी कार्यकलाप विश्वविद्यालय द्वारा होते हैं वे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इस बार की परीक्षा प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में थी और छात्रों को आंदोलन करना पड़ा था। अब एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
इस मामले में जब रजिस्ट्रार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में ही चैनल से कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। खबर दिन भर में आपने देखी दिन भर क्षेत्र में घटी हुई घटनाओं की कुछ जानकारी इस बुलेटिन के माध्यम से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों नए अपडेट के साथ। नमस्कार।